क्या करिए चलो सुबह रितु ने मैंने अलार्म लगाया था, रैंडम नहीं लगाया, सेम टाइम दोनों को सुबह। हमारा प्लान यहाँ थोड़ा जैसलमेर सिटी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि पिछले दो दिन में कल तो हम शूटिंग में लगे रहे, लेकिन आज जैसे हिसाब से लोग नाश्ता कर रहे हैं मुझे लगता है यहाँ से सीधा हम एयरपोर्ट ही जाएंगे। पहाड़ी का नाम मिल, दोनों का नाम मिक्स करके सिटी का नाम पड़ गया जैसलमेर। राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है, पहला उदयपुर के पास चित्तौड़गढ़ का। ये वाले पत्थर सिक्योरिटी वाले हैं, ये वाले सिक्योरिटी है। पहाड़ी पे कोई चढ़ने के लिए करे तो उसको सिक्योरिटी गार्ड पुश कर पाए। ये लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का। सब लोग जो जा रहे हैं स्कूटर से रहते हैं, ये लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं, कोई युद्ध के लिए कुछ भी होता है, एक आदमी वहाँ नगाड़ा लेके बैठता है। अनाउंसमेंट एरिया है, ये है इस फोर्ट का सेंट्रल एरिया, कहीं भी जाएंगे लौट के इधर ही आएंगे। चौक का नाम है दशहरा चौक, व्हाइट मार्बल का चेयर देख रहे हो। हाँ, वहाँ राजा बैठते थे स्टेप बाय स्टेप, उनके भाई लोग मंत्री लोग, आम पब्लिक यहाँ गैदरिंग होती थी। आपने सर सरफरोश मूवी देखा हो, मिर्ची सेठ का हवेली दिखाते हैं। हाँ, प्रेजेंट में राजा का घर है। अभी ये दोनों रॉयल पैलेसेस है, सामने वाला पार्ट है जो किंग पैलेस है, राइट साइड में जो देख रहे हो जनाना महल, रानी का महल, राजा का महल, पूरा ओपन बालकनी है। रानी का महल एक फ्लैट स्क्रीन की तरह है, छोटे छोटे हॉल से। कितनी सुंदर सुंदर गलियां उठ रहे हैं सर। ये बालकनियां, ये घर है कि ऐसी सिर्फ शो के लिए? मकान है सारे। मैं कहीं पढ़ रहा था ऐसे में होता ना कि रानियों के महल फ्लैट हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं देखने के लिए, घूंघट होता है वो होता। पता है वो प्रथा क्यों चालू हो गई थी? पहले, बहुत पहले वो प्रथा नहीं थी हमारे यहाँ, प्रथा घूंघट की नहीं थी, लेकिन इतने हमले हुए, अटैक्स के हुए, वो लड़कियों को ले आते थे हैं सबको, तो फिर उन्होंने वो लोग थे हाँ तो उन लोगों ने फिर घूंघट रखना शुरू कर दिया। घूंघट की प्रथा तब से आई, एग्जैक्टली 14 जब हमले स्टार्ट हुए थे ना ज्यादा, तभी आई थी प्रथा, और उसके साथ बहुत सारी प्रथा आ गई फिर। हाँ, और फिर हमें लगता है कि फिर अब यही बात को पकड़ के बाकी लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये कल्चर तो खराब है, ये वुमेन को नीचा दिखाता है, तो ऐसा एक्चुअल में नहीं था, वुमेन का दर्जा तो बहुत ऊपर था। तभी तो सिया के राम कहते हैं। राम जी की पहचान सीता से थी, राधे कृष्ण, राम जी की पहचान सीता से थी, सिया के राम। इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए कि हमारी संस्कृति में औरत का क्या महत्व है। वी आर इनसाइड दिस जैन टेम्पल, पहले मैं सोचा कैमरा लेके नहीं आएंगे, बट लुक एट ये देखो रितु, अंदर से पूरा वो है, दो लेयर में बना हुआ यार। भाई ये तो आज के जमाने में भी बनाना मुश्किल हो जाए, और ये कब का बना हुआ होगा? आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कितने अच्छे लेवल की। ऊपर दिखाएंगे भी। हाँ, आप आ जाओ, मैं आपको घूम। इतनी एडवांस एंशियंट साइंस थी हमारी, बट ये जो नॉलेज थी ये ट्रांसफर नहीं हो पाई मॉडर्न इंडिया को। बट वी हैव टू नाउ रिवाइव आवर टेंपल्स, बिकॉज द टेंपल्स आर नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, दे आर अ प्लेस ऑफ लर्निंग्स। तो ये जो घर है, ये फोर्ट के अंदर वाले घर ऐसे होते हैं, और बाहर इनविटेशन कार्ड छप जाता है अगर किसी का शादी का इनविटेशन है, ओपन इनविटेशन है। तो यहाँ पे 2 जुलाई 2018 को शादी हुई थी, तो ओपन इनविटेशन 11 जून को हुई थी, तो शादी अगर पता चल गया आ जाओ है ना, बाहर लिखवा दो। प्लस बहुत पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, इंडिया को एक्सप्लोर कर लो तो लगेगा भाई कितना कुछ है ना, एवरी स्मॉल प्लेस हैज अ डिफरेंट कल्चर। नहीं अपन पूरा भारत घूम लेना तो समझ लो वर्ल्ड घूम लिया, क्योंकि वर्ल्ड में जो भी चीजें गई हैं आधी चीजें तो आधी से ज्यादा भारत से गई हैं। 40% जीडीपी था एक बार इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का। मीटिंग कर रहे हैं, देखो पेंटिंग बनाई थी, वाज ट्राइंग टू गेट इनटू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हिस्ट्री चैनल में भी इनका वो आया हुआ था। 6,250 लीव्स। ओ मैं सर ट्राई करता हूँ कि लेंस में आएगा कि नहीं, अगर आएगा तो व्यूअर्स तो मजे हो जाएंगे। ओह माय गॉड, मुझे इसी साइज के अंदर 18,000 लीज बनाने हैं। oh. मुझे लीज को छोटा करना पड़ेगा। कोई सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी सर। ये बनाते हुए आपको सर दर्द नहीं होता? सर जी सर कुछ भी नहीं होता। एक पेंटिंग दिखाऊंगा आपको जिसमें सर कह रहे हैं कि मेरा फाइनेस्ट स्ट्रोक्स है इसके अंदर, तो एक बार कैमरे से देखे कैसे वाइट से, और एक बार फिर उसके बाद लेंस से दिखाएंगे। ये है नॉर्मल से, ये है वाइड एंगल से, ये है जूम से। अब लगाइए लेंस सर। ओ टेक्सचर, टेक्सचर, हाँ वेल, देखो ये है टेक्सचर। ओ तो ये बनाते वक्त सांस रोकना पड़ता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रोक हार्ड हो गया तो इसमें रीटचिंग नहीं होता है। पंकज जी ने हमें पूरा घुमाया फोर्ट, अब इनके घर जाएंगे। कितने साल के बेटा? 8 साल के हो? चलेगा, चलेगा। टेबल्स कहाँ तक आते? टेबल
नहीं आते ले हो। चलो अभी याद करो जाते हुए सुनेंगे आपसे कि को कितने का सुनना है भाई। पांच का ही सुन लेते हैं। चल तेरे को रियायत दी पांच का। पांच हाँ लिख के दिखा दे। चल लिख के और जोड़ जोड़ के दिखाएगा। पंकज जी कह रहे हैं कि मेरा घर छोटा है। जब हम कानपुर में थे ना तो इतना ही लमसम घर था हमारा और हम लोग तीन फैमिली रहते थे उसमें। आपको दिखाया नहीं कभी दिखाऊंगा। खेलो भैया के साथ हम लोग आते हैं ठीक है। सो वी आर गोइंग ऑन टू द टॉप टू सी द सिटी व्यू। अबे सीढ़ी की लेंथ। ओह माय गॉड सर यहां तो रात को बहुत मजा आएगा यहां बैठने में खाना वाना खाने में। नेक्स्ट कभी पधारो। दिस इज द इंडियाज लास्ट रेलवे स्टेशन है। पाकिस्तान की साइड पड़ता है। पाकिस्तान इस साइड। ये बचपन में लटका नहीं होगा इसकी छोटी रहेगी इसीलिए। से बाय बाय टू जैसलमेर सिटी। यू आर लवली। फिर मिलेंगे। बाय बाय। सुशो तुम्हारी जवानी बहुत बोरिंग कटेगी क्योंकि तुम अगले पांच साल में सब कुछ कवर कर लोगे बेटा। फिर जब इसके फ्रेंड्स कहेंगे चल गोवा चलते कहेंगे कि गोवा घर वाओ घूमने की जगह। देव रीच जैसलमेर एयरपोर्ट। पिंक और रशी एंड टू। पीछे से पंखे अभी ऐसे हैं जो फ्लाइट में ऐसे रहते हैं। तेरे को फंडा याद है ये प्रोपेलर का ऐसे और ऐसे वाला। ऑफ कोर्स। ओ याद है। ओके मैं जरा भूल गई होगी। तो जब इंजन फेलियर होता है तो हम उसको ऐसे कर देते हैं ना। हाँ तो मैम अभी आई। मैम ने कहा कि मेरे साथ फोटो ले ले और इसके साथ नहीं ली तो मैं बहुत खुश हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम। एक हाई फाइव एक फिस्ट बम्प। थैंक यू मैम। योर ओपी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ तो कि कोई आया कि तेरे साथ चाहिए मेरे साथ नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। सोच के नहीं हुआ कभी नहीं हुआ। वैसा आधा घंटा का बैग नहीं आया। एक बैग अटक गया भाई हमारा। आ नहीं रहा। सबको धक्का लगा और तेज चलेंगे। धक्का लगा सकता अपना बैग है। चार बार सामने से निकल चुका हमने पहचान नहीं पाया। ये अपना बैग ऐसी हट जाओ। पता क्या हुआ गाइस इसमें उन्होंने ये लगा दी तो हम पहचान नहीं पाए। गाइस गेट बैक होम। मैं एडिटिंग कर रहा था। टोल्ड रशी। रशी कहती मेरे से पापा मैं यहाँ किचन में खेल लूँ पानी से। बच्चा यार हमेशा मना करता है बच्चा खेल ले। लुक व्हाट शी डिड। क्या किया आपने पानी से? स्लेप नहीं ये पूरे किचन में इसने तालाब बना दिया। देखो मम्मा भी गई डॉक्टर के पास। आएगी पिट्टी करेगी हम दोनों की। गिर मत जाना। जी शॉपिंग भाई घर पे खाने को कुछ भी नहीं है। भिंडी एक पाव। कितना का भैया? टमाटर प्याज लहसुन। बेर तो फेवरेट है मेरा। हो गए फिर मैं ले आया। लेकिन तेरे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक पाव दे दे यार। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट लाए बेटा। इतना मीठा लाया ना खरबूजा। इतना मीठा मजा आ जाएंगे। ये गोलू पापा का ही बना रहा है क्या? मम्मा के लिए बना बना बना। आलू पराठा रशु। अरे मेरा गोलू। हाँ देखो इसमें आलू पराठा है। रशु के पराठे में इसमें छेद हो गया। कोई बात नहीं सह लेंगे पापा। खा बोगे रशु? कैसे चिपक गया? इन हाथों से बनाया आपने? इन छोटे छोटे हाथों से बनाया? ये ले ये ले। बेला है ना इसी ने है। आपने ये रोटी तो प्लीज मैं खा लू। मेरे लिए तो अमृत हो जाएगी ये रोटी भाई। नहीं पहले बना लेता। कैसे सिखाना मरे? नहीं यहाँ से भी चिपका दो ऋषि। पापा वो गर्म है तो चिपकाओ 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 चिपकाओ। इतना जल्दी में मम्मी वाली आराम से पहले आराम से फर्स्ट। देखो 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 कहाँ से मोटा है। क्या कह रहा है ये? आपने बनाया रशु? एक एक ग्राम से खिला भी दो। जय माता दी। प्रसाद मेरे लिए बनाइए। जय पप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं। कल जा रहे हैं सुबह रितु को दिखाने सफदरजंग हॉस्पिटल में क्योंकि उसकी डेट है। डॉक्टर कहा था कि प्लीज एक बार दोबारा आ जाना एक हफ्ते के बाद। विल डू दैट होपफुली एवरीथिंग शुड बी गुड टुमारो। एंड या बाय बाय एंड गुड नाइट।